हेलो दोस्तों, मैं हूं उम्मीद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फाइनली गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि Redmi Note 7 Pro में कल MIUI 11.0.9.0 का अपडेट रिलीज कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया और मेरे पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि भाई इसका फुल रिव्यू के ऊपर वीडियो लाओ कि इसमें क्या क्या आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप जैसे तो ये है मेरे Redmi Note 7 Pro, इसका MIUI 11.0.9.0, MIUI 12 नहीं आया, Android 10 का अपडेट, अभी भी Android 9 पे ही रन ये कर रहा है। तो ये तो बुरी बात रही है, Android 10 आ जाना चाहिए था, बट वो MIUI 12 के ही साथ देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पैच जो भाई वो आपको यहाँ पर अप्रैल का देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है भाई। मई का नहीं दिया, अप्रैल का दे दिया, कोई बात नहीं है। बाकी आज की इस वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, सारी बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको भाई पूरे 24 घंटे यूज़ किया है। 24 घंटे नहीं हुए भाई, 20 घंटे मान लो या जितने भी हो गए, 18-20 घंटे मैंने पूरा यूज़ किया है। तो मेरे को पता चल चुका है कि भाई क्या कौन कौन से नए फीचर मिले और कैसा ये अपडेट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ MIUI 11 से रिलेटेड, MIUI 12 से रिलेटेड और अपडेट से रिलेटेड। प्लीज़ यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच दिया गया और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं चेंजेस की। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो परफॉर्मेंस है भाई, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसी में किया गया भाई, जो UI में चेंजेस किए गए ना वो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर आप देखो स्मूथनेस भाई काफ़ी ज़्यादा, तुरंत ही सब कुछ ओपन होता, कुछ भी दिक्कत लेनी वाली बात नहीं भाई, काफी ज्यादा स्मूथनेस हो चुकी है। ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगा, काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है आपका ये वाला रोम, ये मेरे को काफी बढ़िया लगा। क्योंकि भाई देखो, कुछ भी आप ओपन करोगे सबसे ज्यादा फास्टर आपको ओपन होगा, आपको भाई टेंशन लेने की बात ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है भाई जब से अपडेट किया है। पहले क्या था, थोड़े बहुत लैग वगैरह देखने को मिलता था, 2-3 एप्लीकेशन अगर आप साथ में ओपन कर दोगे तो लैग देखने को मिलता था। पहला चीज यानी कि बग फिक्सेस किया गया है। अब यहाँ पर हम फीचर्स की हम बात करते हैं, फीचर्स क्या क्या देखने को आपको मिल आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको एक नया एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये वाला एनिमेशन, आपको एक नया एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छा एनिमेशन है, एनिमेशन में थोड़ा वर्क किया गया, लेकिन यहाँ पर रिसेंट में कोई एनिमेशन नहीं दी गई है और चार्जिंग एनिमेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर हम बात करें और क्या क्या चेंजेस कर दिए गए हैं, तो भाई मैं आपको बता दूँ, 2 एप्लीकेशन भाई आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगे तभी आपको फीचर्स इनेबल देखने को मिलेंगे। एक है भाई यहाँ पर गैलरी का, एक है यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप का, आप जाके इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। सिक्योरिटी ऐप में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर भाई कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे डिवाइस में आप देख सकते हो यहाँ पर से अल्ट्रा बैटरी सेवर भी और इसका पूरा UI भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमाइज में करेंगे, ये आप देख सकते हो कंप्लीटली चेंज है। ये जो चीज़ है भाई, ये MIUI 12 का ये चेंज हुआ सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करने से। इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अल्ट्रा बैटरी सेवर जो वो आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर एनिमेशन वगैरह चेंजेस होंगे जो कि काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे। इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आई होप आपने वो सारी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और छोटे मोटे चेंजेस भी होंगे और इसको अपडेट करने के बाद आपको एक फीचर और नया देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है, अगर आप चले जाओगे यहाँ पर स्पेशल फीचर में जाने के बाद यहाँ पर जैसे वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये फीचर काफ़ी तबाही वाला है, ये फीचर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर यूट्यूब में सेलेक्ट कर देता हूँ, यूट्यूब जैसे मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे, यहाँ पर स्वाइप यानी कि लेफ्ट राइट करोगे, आपकी मर्जी आप जहाँ से स्वाइप करना चाहोगे उधर से आएगा। रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो, प्ले बैकग्राउंड में कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यहां से इसको ओपन कर सकते हो, जो कि काफी तगड़ा फीचर ये मेरे को लगा। तो आप जगह प्लीज अपडेट कर लेना। गैलरी में हम जाएंगे तो गैलरी में आपको छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज कब होगा, जब आप यहां पर ये देख सकते हो, यहां पर हम चले जाएंगे, यहां पर कोई भी आपकी स्काई वाली इमेज होगी, 3 डॉट यहां पर एडिट पर क्लिक करेंगे, स्काई का ऑप्शन आएगा, तो इसको एक बार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उसके बाद भाई स्काई में जाने के बाद यहाँ पर जैसे तो अलग अलग आपको इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगते हैं। कुछ हैं जिनको डाउनलोड करना है, कुछ हैं भाई जो कि आपको फ्री देखने को मिल जाते हैं। फ्री में क्या, पेड तो है नहीं, पर डाउनलोड ही करना है। डायनेमिक में आप जाओगे तो भाई डायनेमिक में भाई काफ़ी बढ़िया है, आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के आपको देखने मिलेंगे, स्नो वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने मिलेंगे। आप देख सकते हो पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको एनिमेटेड यानी कि देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्नो वगैरह ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, क्लाउड वगैरह आप देख सकते हो, सब कुछ आपको लाइव देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया मेरे को देखने में लगा। तो कुछ इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे गैलरी में, और गैलरी का जो पूरा UI है उसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आप चले जाओगे, यहाँ
पर एल्बम में एल्बम आप देख सकते हो किस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, आपको थ्रश बिन भी देखने को मिलेगा, जो भी चीज़ आपने डिलीट की होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। 30 दिन के अंदर आप उसको भाई वापस से ला सकते हो। और उसका UI आप देख सकते हो, किसी भी चीज़ को आप यहाँ से उठा के कहीं पर भी डाल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी देखने में मिल जाती है। कुछ इस तरह से चेंजेस किए गए हैं गैलरी में और यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप में। इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा तभी आपको फीचर देखने मिलेंगे, क्योंकि इस अपडेट में भाई ओनली फॉर बग फिक्सेस किए गए, ज़्यादा फीचर नहीं दिए गए। तो ये फीचर मैंने सोचा आपको बता दूँ यार, क्योंकि आपको पता है यार MIUI 11 में भाई फीचर के नाम पे कुछ नहीं देखने को मिला है, MIUI 12 में ही देखने को मिलेगा। तो मैं सोचा यार ये दो चीज़ आपको बता दूँ। और यहाँ पर हम बात करते हैं और क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको भाई फोकस मोड वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड नाइटिंग, यहाँ पर बेड टाइम मोड देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा बेड नाइट मोड। तो ये क्या, जैसे आप इस पर टैप कर दोगे तो आपका ग्लेशियर मोड जो वो इनेबल हो जाएगा, आपका जो फोन ए टू जेड ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप अपने डिवाइस को भाई पर डार्क मोड में यूज करते हो या फिर नाइट में यूज करते हो तो आपकी जो आईज है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि भाई आपको पता ना ब्लू लाइट जो होती है भाई हमारे आईज को काफी ज्यादा भाई हानि पहुंचाती है, उससे ही आपके आईज को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। फोकस मोड आप देख सकते हो, इसका जो UI है वो चेंज हो चुका है। तो भाई प्लीज जाके आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाके भाई डिजिटल वेल्डमिंग को अपडेट कर लेना बीटा वर्जन, तब जाके ये फीचर आपके में इनेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ जाके आप वो कर लेना, तभी आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें कि अगर चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पर हम आपको बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कैमरे के बारे में कि कैमरे में लैग वगैरह अभी भी देखने को मिलता है या कोई नया फीचर ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो भाई देखो फीचर वगैरह सब कुछ सेम टू सेम ऐसी ही भाई, MIUI 12 आने के बाद ही चेंज होगा, काफ़ी UI वगैरह चेंज होगा। बाकी जो वीडियो का लैग है भाई वो तो मेरे को नहीं देखने को मिला, काफ़ी मस्त तरीके से वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी मस्त तरीके से भाई स्टेबलाइजेशन हो रही है, 60 FPS में वीडियो बन रही है, कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी बहुत भाई इंप्रूव्ड हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हुई है पहले से ज़्यादा, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। कैमरे पे ऊपर इन्होंने थोड़ा सा भाई यहाँ पर वर्क किया, यहाँ पर आप जैसे तो कैमरा क्वालिटी कितनी बढ़िया है भाई, मस्त तरीके से कर दिया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ भाई। अपडेट का मतलब ये है कि इंप्रूवमेंट करो ना ही डाउनग्रेड करो। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे भाई फीचर्स वगैरह तो दिए नहीं है, लेकिन बग फिक्सेस थे वो किए गए। चार्जिंग स्लो थी, पहले क्या था चार्जिंग स्लो थी, उसको भी फास्ट कर दिया गया, अब थोड़ी सी चार्जिंग भाई फास्ट हो रही है। लेकिन भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैटरी भाई थोड़ा सा जल्दी ड्रेन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था मैं भाई देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ्लाइट मोड लगा है तो भी 2% खत्म हो चुका, बट ये कि भाई ब्राइटनेस फुल है, मे बी इस वजह से बैटरी जो खत्म हो गया हो। बट मैं आपको कहूँगा यार बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन हो रहा है, मे बी इस अपडेट में बैटरी का बग हो। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो यार अपडेट मत करना, मेरे को तो भाई बैटरी का बग लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका भी UI आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, इस टाइप का आपका UI देखने को मिलेगा जब आप सिक्योरिटी ऐप को अपडेट कर लोगे। तो यहाँ पर आप जैसे कुछ इस तरह से स्क्रीन, यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन भाई इतना यूज़ कर चुका है इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे एप्लीकेशन इतना यूज़ कर चुके हैं। तो भाई यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बैटरी का बग है। अगर आपको भी बग लग रहा है तो भाई मेरा टेलीग्राम ग्रुप उसमें जाके जरूर से बताना। अगर आपको भाई अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन में भाई डाउनलोड लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करो फिर अबाउट में जाओ, अबाउट में जाने के बाद यहाँ पर चले आना, 3 डॉट पे जाके चूज पैकेट अपडेट से आप अपडेट कर सकते हो अगर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिला है तो। बाकी यार इसमें कोई और नया फीचर हिडन फीचर मिलेगा तो उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये शॉर्ट वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह और वीडियो चाहिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।